हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर बेटर देन यस्टरडे। टुडेज टॉपिक इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वेयर वी यूज दिस टेंस। समथिंग इज हैपनिंग नाउ एट दिस मोमेंट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। दिस इज द मेन टॉपिक्स वेयर वी यूज दिस टेंस। हिंदी वाक्यों में हम देखें तो रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आता है। खास तौर से हमें इस पर ध्यान देना है, समथिंग इज हैपनिंग नाउ, अभी कार्य हो रहा हो, इस समय हो रहा हो, बोलते समय हो रहा हो, ऐसे वाक्यों को हम इस टेंस में रखते हैं। पॉजिटिव या अफर्मेटिव वाक्य के लिए ये फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस वर्ब में आई एन जी प्लस अदर वर्ड्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं। ही इज गोइंग टू मार्केट। पिछले कई वीडियो में हम लोग देखे हैं, उस हिसाब से यहां हम देखते हैं। तो ही सी इट किसी का नाम हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर, इन सबों के साथ हम इज लगाते हैं। ही इज गोइंग टू मार्केट, ही सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गए, इज हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में आई एन जी प्लस ये अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो इस तरह से हम जब एफर्मेटिव वाक्य बनाएंगे तो सी इज गोइंग टू मार्केट, इट इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट, इस तरह से थर्ड पर्सन कोई भी रख लीजिए, उस हिसाब से वाक्य इस तरह बनते हैं कि अभी वह व्यक्ति, ही इज गोइंग टू मार्केट, अभी वह बाजार जा रहा है। ये एफर्मेटिव सेंटेंस। इसका हम जब नेगेटिव बनाते हैं तो सब फॉर्मूला के हिसाब से सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के बाद नट लगा देते हैं, वर्ब में आई एन जी प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं। चलिए इसी का हम देखते हैं। सब्जेक्ट ले लिया जाए यू, यू के साथ हम आर लगाते हैं, यू आर नॉट, यू आर नॉट रीडिंग, रीड वर्ब हो गया, उसमें आई एन जी लग गया, यू आर नॉट रीडिंग द गीता, गीता इज ए होली बुक, इसलिए हम उसके आगे द लगाते हैं, यू आर नॉट रीडिंग द गीता। यह थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है, हम एम जो है हमेशा आई के साथ लगाते हैं, वी के साथ आर, यू के साथ आर, दे के साथ आर, जिन हेल्पिंग वर्ब है इसका ध्यान देना है। इस जगहों पर सब्जेक्ट के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब का चूज करते हैं। कोई दूसरा वाक्य ले लिया जाए, वी आर नॉट प्लेइंग, वी आर नॉट प्लेइंग, हम नहीं खेल रहे हैं। जब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब आर है, आर आर, उसके बाद सब्जेक्ट वी, आर वी प्लेइंग, पी एल ए वाई आई एन जी प्लेइंग क्वेश्चन मार्क, आर वी प्लेइंग, ये इंट्रोगेटिव हो गया। इसी तरह से एम के साथ आई लगेगा, आर के साथ यू, वी, दे इत्यादि लगते हैं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हो गया। इसमें डब्ल्यू एस फैमिली जब हम जोड़ते हैं तो ठीक डब्ल्यू एस फैमिली सेम फॉर्मूला के आगे कर देंगे, जैसे व्हाट, अगर हम सब्जेक्ट ई लेते हैं, ही लेते हैं, तो व्हाट इज ही प्लेइंग, वह क्या खेल रहा है, वह क्या खेल रहा है,
दूसरा कोई ले लीजिए, हाउ इज सी गोइंग, वह कैसे जा रही है। इस तरह से डब्ल्यू एच फैमिली के साथ हम इंट्रोगेटिव के सेंटेंस बनाते हैं। कुछ कंट्रेक्शन वर्ड भी आते हैं इसमें, उसके पहले हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। आई और वी फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। हम जिससे बात कर रहे हैं, मेरी बात हम बोल रहे हैं, तो हम फर्स्ट पर्सन हुए। कई लोग एक साथ ऐसे बोल रहे हैं तो आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन हुआ। जो सुन रहे हैं यू, ये सेकंड पर्सन हो गए। और जिसके बारे में बोल रहे हैं वह बहुत अच्छा डांस करता है, वो थर्ड पर्सन हो गया। ही सी इट, राम श्याम दे इत्यादि, ये थर्ड पर्सन होते हैं। कुछ कंट्रेक्शन में हम देखें, जैसे आर नॉट, तो कंट्रेक्शन में ये यन कट जाता है, टी ओ कट जाता है। आरेंट 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 यू गोइंग, आरेंट इज नॉट, यहां ओ कट जाएगा। Isn't, isn't, isn't she dancing? Isn't he reading? Am not, amn't, amn't, amn't I talking? Amn't I going like this? इस तरह से I am में ये कट जाता है। Am, am, am reading, am playing, I am singing, you are, ये कट जाएगा। Your, your reading, your dancing, your walking, your sleeping, it is, it's walking, it's running, it's jumping like this. She's reading, she's talking, she's sitting. नाउ थैंक यू। हम समझ रहे हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा और वेरी इजी भी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सबसे इजी होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।